टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी में इसके बारे में आज हम देखते हैं और रैंडम वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्यों कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या होती है और इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं तो रेंडम वेरिएबल जो आपकी एक रेंडम एक्सपेरिमेंट की रियलाइज वैल्यूज होती हैं जो नमेरिक क्वांटिटीज़ आती हैं तो जो आउटकम से लिंक होती हैं तो वो हमारे पास एक रेंडम वेरिएबल है आप एक कॉइन आस करते हैं तो आपके पास या जीरो है हेड आएगा या वन हेड आएगा तो वो जीरो और वन जो आप नमेरिक क्वांटिटी जो है वो आउटकम की बेस पे एसोसिएट कर रहे हैं तो वो रेंडम वेरिएबल है दो तरह के रेंडम वेरिएबल्स जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा पिछली वीडियोस में भी देखा कैटेगोरिकल वेरिएबल नमेरिकल नमेरिकल में आगे एक डिस्क्रीट है और एक कॉन्टिन्यूस है डिस्क्रीट में आपके पास चीजें जंप्स में आती हैं नंबर ऑफ पर्सन इन ए रूम नंबर ऑफ चेयर्स ट्रैंक रिवाइज मोनिट्री पॉलिसी रेट तो या साल में आठ दफा या छः दफा या पांच दफ़ा या चार दफा वो साढ़े चार दफा नहीं रिवाइज करेगा तो नंबर ऑफ टाइम्स वो रिवाइज करता है तो नंबर ऑफ क्रेडिट आर्स आप जो रजिस्टर हुए हैं तो बेसिकली वो आप फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव फिफ्टीन क्रेडिट आर्स नहीं होंगे फिफ्टीन होंगे एटीन होंगे 16 होंगे ट्वेल्व होंगे लाइक दिस कंटिन्यूस वेरिएबल डेसिमल्स में या इनफिनिट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं इन एन इंटरवल जैसे मनी है एज है टाइम है हाइट है जीडीपी पर कैपिटा है आपके पास इंटरेस्ट रेट है इन्फ्लेशन रेट है तो यू कैन हैव पॉइंट वैल्यूज एटी मैनी पॉइंट्स इन बिटवीन इवन टू नंबर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वही चीज है जो वहां पे हम पॉपुलेशन मीन की बात करते थे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रेंडम वेरिएबल इज बेसिकली अ इज इज पॉपुलेशन मीन इट डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेंडम वेरिएबल और जितने पॉसिबल रेंडम वेरिएबल की वैल्यूज थी जितनी उसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज थी आप उसको मल्टीप्लाई करके एड कर दें तो दैट इज अभी हम देख लेते हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, वो थोड़ी सी जरा जिन लोगों को कार्ड्स ताश की बात समझ नहीं आती उनके लिए थोड़ी सी है तो मैं इसके लिए आसान एग्जाम्पल दे रहा हूं तीन दफा टास्क किया तो आपके पास ये आउटकम्स आ गई एच 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 टी एच टी एच एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी तो इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स क्या है यहाँ पे तीनों हेड्स हैं यहाँ पे दो हेड्स आए हैं यहाँ पे दो हेड्स आए हैं यहाँ वन आया है और यहाँ पे टू हैं यहां वन जीरो नंबर ऑफ हेड्स जीरो तो इट तो अकर्स टू बी वन आउ, आउट ऑफ एट तो ये आपके पास नंबर ऑफ जीरो हेड्स हैं वन हेड तो वन हेड एक दो और तीन पॉइंट्स आते हैं तो इट इज इट इज इक्वल टू टोटल 3 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ टोटल 8 पॉइंट्स हैं उसमें से 3 पॉइंट्स ये जो दूसरे वाली है ये भी आपके पास सेम है तो कंट्रोल डी करें ये आ जाएगा और लास्ट वाली जो है वो अगेन नंबर ऑफ 3 हेड्स तो एक दफा आए हैं सॉरी एक दफा आए हैं आउट ऑफ 8 तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं अगर आप एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको हम ऐड कर देंगे इक्वल टू इस जीरो को मल्टीप्लाइड बाई नंबर और इस सब को मेंट एंग्री रैबिट बनने के बाद ड्रैग कर लेता हूं आप वैसे भी जब तीन कॉइन टास्क करें तो कितने हेड्स चाहिए कितनी टेल्स आनी चाहिए अगर आपका कॉइन फेयर है सोचिए आपका रिजल्ट आएगा वन पॉइंट फाइव तो क्या ये रिजल्ट 1.5 के इक्वल है तो ये रिजल्ट आ गया जब तीन चार पॉइंट टास्क करेंगे ऑन एवरेज दो हेड्स आने चाहिए दो टेल्स आने चाहिए तो ये बेसिकली ये जो 1.5 है ये बेसिकली है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रेंडम वेरिएबल है यहां पे हम एक कार्ड की बात कर रहे हैं कि अगर आपको हार्ट का कार्ड मिलेगा पान का पत्ता मिलेगा तो आपको एक डॉलर में पे करूंगा अगर आप एस एस हमने हार्ट वाले कार्ड से ड्रॉ कर लिया था साइड पे तो एस चार हैं, उन चार में से कोई एक कार्ड मिलेगा तो मैं आपको पांच डॉलर पे करूंगा और अगर आपको स्पीड का किंग मिलेगा तो मैं आपको दस डॉलर पे करूंगा अगर कोई और कार्ड मिलेगा तो आपको जीरो मिलेगा तो बाद देखिए हार्ड का एस को अगर माइनस कर दें तो बारा पत्ते हर हर सूट में ट्वेल्व ट्वेल्व जो है वो कार्ड्स होते हैं तो अगर आपको हार्ड का कार्ड मिलेगा तो ये आपके पास ट्वेल्व हैं तो ट्वेल्व भी फिफ्टी टू इज़ द प्रोबेबिलिटी अगर आपको एस में से कोई एक कार्ड मिल जाएगा तो चार एस हैं तो फोर आउटकम्स हैं फेवरेबल डिवाइडेड टोटल आउटकम 52 तो इन चार में से कोई एक पत्ता आ जाए फोर चांसेस हैं डिवाइडेड 52 में से कोई तो ये 52, और किंग ऑफ स्पेड आने का किंग ऑफ स्पेड जो है उसके चांसेस जो है वन आउट ऑफ फिफ्टी टू है और अदरवाइज जीरो तो ये वो प्रोबेबिलिटीज आ गई कि एक डॉलर मिलेगा अगर उन बारह में से कोई कार्ड आ जाए पांच डॉलर मिलेंगे अगर एस में से कोई आ जाए दस डॉलर मिलेंगे अगर किंग ऑफ स्पेड मिल जाए तो वन आउट ऑफ फिफ्टी टू और जीरो मिलेगा अब हमने एक्स को पी एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया ऐड किया रिजल्ट आ गया पॉइंट एट वन डॉलर तो ऑन एवरेज आपको पॉइंट एट वन डॉलर मिलेगा तो इसको अगर आप डिस्प्ले करें ग्राफिकली तो ये आ जाता है स्टैंडर्ड स्टैंडशन वेरिएंस क्या चीज है तो आप देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वहां पे रूटीन में वेरिएंस को देखा था तो एक्सपेक्टेड एक्स आई माइनस इंटू पी ऑफ एक्स आपने हर रेंडम वेरिएबल में से जो मीन है उसको माइनस करना है उसका स्क्वायर करना है और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी तो इसको हम देखते हैं तो आपके पास जो है वो ये देखिए पास मीन आ गया था .81. तो आपने टेन फा, में, में से किया जीरो में से किया और स्क्वेयर करते रहिए और ये जो स्क्वेयर वैल्यूज हैं इनको पी ऑफ एक्ट से मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्ट को स्क्वेयर नहीं करना तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी ये वेरियंस बन जाएगा और अगर इसका स्क्वायर रूट ले, ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड एविशन बन गई अच्छा अब यहाँ पे एक अगली प्रॉपर्टी आती है लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ए और बी यहाँ कांस्टेंट हैं एक्स और वाई दो रेंडम वेरिएबल्स हैं तो ये जो एक्स वाई जी ये आपके पास रेंडम वेरिएबल्स हैं ए और बी यहां पे कांस्टेंट हैं तो ये कुछ फिक्स नंबर्स हैं तो जो आपके पास मीन ऑफ ए रेंडम वेरिएबल और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मीन ऑफ ए रेंडम वेरिएबल होता है तो वो वैसे ही है कि आप एक्स को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ई ऑफ एक्स जो है उससे ई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लें तो ए टाइम्स का जो मीन होगा वो ए टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा यानी कि अगर आपके पास ये जीरो वन टू थ्री था अगर मैं आपसे एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे किसी नंबर से और यहाँ पे हम कहें थ्री एक्स का मीन क्या आएगा तो थ्री एक्स का मीन बेसिकली आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको मैंने इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया थ्री एक्स को बाई पी ऑफ एक्स टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले करेंगे तो आर्ट इक्वल तो ये जो सम आया है ये फोर पॉइंट फाइव आ गया या आपके पास ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई थी इसको जो है वो ई एफ एक्स जो आया था इसको अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा

लेट्स से आपको एक स्टेटिस्टिक्स का काम मिलता है जिस पे आपको 10 मिनट लगते हैं केमिस्ट्री के काम पे ऑन एवरेज आपको 15 मिनट लगते हैं चार आप पांच स्टेटिस्टिक्स के काम दिए गए चार केमिस्ट्री के काम दिए गए तो इसका बहुत सिंपल है कि हम फाइव टाइम्स स्टैट्स के काम प्लस फोर टाइम्स केमिस्ट्री के काम तो बजाय इसके कि आप इसको खुद से कैलकुलेट करते बार बार चूंकि मैं ये पता था कि ऑन एवरेज दस मिनट स्टेटिस्टिक्स के लिए चाहिए

स्क्वेयर रूट ऑफ तो तो यहां पे वो ही काम अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है इसको ठीक है, है तो ये चीजें फर्क आई है इस फाइव टाइम्स वेरियंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्लस फोर ऑफ केमिस्ट्री ये कैलकुलेशन आपने सही कर लेनी है आप जरा इस प्रॉब्लम को गौर से पढ़िए पास कीजिए और सोचिए क्या रिजल्ट है कि आपके पास जो है वो आपने कैसीनो पे एक गेम खेलनी है पांच डॉलर आपको गेम खेलने के पे करने हैं अगर आपके पास आ गया एक सेकंड कौन सा है ऑफ क्लब्स तो अगर आपके पास ये वाला एस निकल गया आपने एक किसी आपको ये मिल गया तो आपको 500 डॉलर मिलेंगे तो 5 डॉलर वो हैं जो आपने पे कर दिए थे तो इसका मतलब पर, 495 डॉलर्स आप विन कर जाएंगे तो वो पूछ रहा है कि आपको जो है प्रॉफिट कितना मिलेगा तो आपने ये देखना है कि 500 डॉलर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो, वो वन बी फिफ्टी टू और ना मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो आपने कैलकुलेट करनी है तो दो आपने दो इफ द फर्स्ट कार्ड यू ड्रॉ इज रेड देन यू गेट टू ड्रॉ सेकंड कार्ड अगर आपको पहला कार्ड मिला रेड तो आपको सेकंड कार्ड ड्रॉ करना है तो पहला कार्ड रेड आने की चांसेस 26 रेड कार्ड्स हैं 26 ब्लैक कार्ड्स हैं 26 भी 52 बाकी पत्ते रह गए 51 विदाउट रिप्लेसमेंट है पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था वन भी तो आपको जो विन करने की प्रोबेबिलिटी है पॉइंट जीरो जीरो पांच डॉलर तो आपने पे किए ही किए थे तो फोर हंड्रेड नाइनटी फाइव डॉलर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाली है एक्सपेक्टेशन जो है तो ऑन एवरेज आपको पॉइंट वन डॉलर टेन सेंट्स आपको लॉस होगा अगर आप गेम की कंडीशन ये वाली है वर्कआउट कीजिएगा कॉमेंट में पूछिएगा आई ट्राई टू फेयर गेम का मतलब यहाँ पे वो ये नहीं है वो जैसे हम रूटीन में कोई कॉइन फेयर अनफेयर का बात ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फिफ्टी फिफ्टी है या कि कॉइन बायस उस है उसमें ट्वेंटी परसेंट हेड है एटी परसेंट टेल है तो ये ये फेयर गेम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जी कैसीनो इन वीगस मोर और लेस देन एक देर एक्सपेक्टेड पे आउट्स तो छोड़ देते हैं हम इसको इसकी जरूरत नहीं है अच्छा जी वेरियस ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स नॉट नेक्वल टू टू एक्स तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स इट्स नॉट टू टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स तो ये बेसिकली टू एक्स वेरियंस ऑफ टू दिस इज अच्छा ये एक्स प्लस करते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता एनी

अब फाइनल बात हम कर रहे हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यूज एक इंटरवल में एग्जिस्ट करती हो और कंटिन्यूस वेरिएबल में जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे वो बंदा लाके दिखाएं जिसकी हाइट एग्जैक्टली फाइव फीट 11 इंचेस हो या 5 फीट 9 इंचेस हो या 180 सेंटीमीटर हो अब 180 सेंटीमीटर .00001 भी उससे कम नहीं हो .0001 उससे ऊपर नहीं हो तो देयर इज हार्डली एनीवन जो इतना एक्यूरेट 180 सेंटीमीटर होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बहुत

हम डिस्कस करेंगे ये देखिए एक इंटरवल में प्रोबेबिलिटी आएगी ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है ये ऑलमोस्ट जीरो होती है वजह यह वेरी वेरी रेयर चांसेस कि आपको एक बंदा एग्जैक्टली वन हंड्रेड एटी सेंटीमीटर मैं कह रहा हूं पॉइंट जीरो जीरो कम या यान सेंटीमीटर भी उससे ज्यादा हुआ तो हम उसको वन एटी सेंटीमीटर वाली हाइट नहीं मानेंगे लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं वन सेवेंटी नाइन और वन एटी वन सेंटीमीटर के दरमियान तो यू यू कैन फाइंड सम पीपल तो इसको देखिएगा मैं इससे अगले वाली वीडियो में लैब प्रोबेबिलिटी और ये जितने concepts हमने डिस्कस किए हैं हम सिमुलेशन करेंगे जी जी वो, वो किसी ने जी, मैं तो लेता भाई आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते तो कॉइन ही हुआ थर्टी परसेंट चांसेस आप करते हैं सेवेंटी परसेंट करते हैं नहीं तो ये अनफेयर है थर्टी परसेंट हेड टेल आप वोटिंग करेंगे नहीं करेंगे 80 परसेंट आप नहीं करने जा रहे तो कॉइन अनबायस्ड नहीं होगा ये इत, ये जस्ट जीरो वन का मतलब है कि आपका ए ग्रेड आएगा नहीं आएगा आप पास होंगे फेल होंगे आप जो है वो अच्छी जॉब आपको पहले छह महीने में मिल जाएगी नहीं मिलेगी तो ये सारी बाइनरी आउटकम्स हैं तो दिस इज कॉइन टॉसिंग तो हम इसको लैब थ्रू आर भी करेंगे और इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर होगा दैट विल बी ऑन सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बिफोर वी गो फॉर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केयर